चले भाई दोनों प्यार आ रहे हमें भी आ गए और अभी चलते हैं। चले लेट होगी ना? आप लेट होगी काफी यार। चले जी, सामान सारा रेडी है और ये सब मैंने निकाल के रख दिया और साथ ही में फातिमा ने पकोड़े भी बना। चले जी, तो अभी करती हूँ अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस। और ये जी वकार से मैंने कहा था ये जो है लेते भी आना, क्योंकि घर पे नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं खैर से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह भी खैर से। तो भाई और बहनों, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग, और तमाम लोगों को सब्सक्राइब पर वेलकम करते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन जरूर प्रेस किया। तो भाई देखो, ये मेरी भाग दौड़ का और मेहनत का ये पसीना नहीं है, मैंने मुँह धोया उसके गीला रहा हूँ। तो रात में मैच खेलता हूँ, इससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा पसीना बहा देता हूँ। तो अभी ये लग रहा था, मैंने यार बता दूँ गीली शर्ट भी मुँह धोया मैंने, अभी फ्रेश हूँ। तो अभी चलते हैं जाकर बाहर लेके थोड़ा सा सामान लेना, क्योंकि दूध खत्म हो गया है। तो दूध वगैरह भी लेना है और थोड़ा सा चल फिर के मैंने वापस भी आना है, ठंडी हवा भी खानी है। और ऐसी बात है, गर्मी आ गई है, गर्मी शुरू हो चुकी है, इतना नहीं हो रही पर हल्का फुल्का रात को पंखे चलाते तो कुछ ना कुछ पहनना पड़ता है, मतलब हल्की फुल्की ठंड भी है। फिलहाल अभी जो भी अपडेट होगी देते रहेंगे, प्लीज हमारे साथ बने रहिए। अभी जोहर की नमाज भी पढ़ ली है, तो अभी करने लगी हूँ मैं सफाई घर की। सफाई करने के बाद फिर पोछा लगाऊंगी और उसके बाद थोड़े से कपड़े वॉश करने वो भी करूँगी। यहाँ पर देखें, पोछा मैंने लगा दिया है, सबसे पहले झाड़ू लगाया और पोछा भी लगा दिया है सब जगह से। और अभी ये थोड़े से बर्तन रहते हैं, इन्हें भी जल्दी से सेट करके रखते हैं और फिर कोई काम होते तो करते हैं, वरना थोड़ी देर कुरान पाक पढ़ लेती हूँ मैं। तो अभी करती हूँ अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस और अभी मैं अपने रूम में ही कर रही हूँ, क्योंकि उस रूम में अम्मी के रूम में इसकी सफाई की है, तो बच्चे पढ़ने आ गए वो बैठे हुए हैं, तो मैंने सोचा अपने रूम में ही कर लेती हूँ जी। यहाँ पर देखें, आज जो है बेडशीट्स बना रहे हैं जो अम्मी ने हमें दी थी, और खादा हमें बना के दे रही हैं, और इसके तकिया भी बनाएंगे शायद। और मेरे हस्बैंड यहाँ बैठे नमाज पढ़ रहे थे, तो अभी बेडशीट खादा नाप रही हैं, देखते कितनी आती है, फिर और भी बनाएंगे, पहले ये एक बन जाए। एक बेडशीट तो अल्हम्दुलिल्लाह बन के आ गई, बाकी इसके ना तकिए बनाने रह गए, और वो खाला ना अफ्तारी के बाद ही बनाएंगी। आपको अच्छी लगी? अच्छी लगी माशाल्लाह, सही बन गई है। हमारे काफी सारे ऐसे कपड़े हैं जो अच्छे अच्छे इस आला क्वालिटी कपड़े हैं ना, इनकी बेडशीट बनाने तो क्या ही बात है। ये मतलब रजाई थी, अच्छा, इसे हमने बेडशीट बनाई। जैसे कपड़े ना, ये रजाई में कवर मैंने अपने ऑफिस वालों को भी दिए ना, तो हमारे मैनेजर जो थे उनको पसंद आते, उन्होंने उसके भी बेडशीट बना रखे, पता है? हाँ, इसकी बेडशीट बनाते हैं सब। ये हमें आज पता चला कि इसकी बेडशीट बनाते बहुत खूबसूरत है और वाकई में बहुत अच्छे लग रहे हैं। अभी और भी बहुत सारे हैं, उनके भी बनाएंगे। उसकी बनाते हैं बेडशीटें, बहुत सारी बन सकती है, हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटी, हम यूज नहीं कर पा रहे थे जी गाइज। हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज है, हम यूज नहीं कर पा रहे थे। अभी हमारा माथा ठंडा खलाई में पूरा महीना इंशाल्लाह इस सब बेडशीट बनेगी, वकालत भी बनेगी। अब उसके कलर के ना हमें धागे लाने होंगे, वो हम जाएंगे मार्केट, वहाँ से पाइपिंग और धागे वगैरह लेकर आएंगे। ठीक है जी? जी चलेंगे। चले यहाँ पर अफ्तार के लिए अभी फ्रूट काटे जा रहे हैं, लेकिन हमने फ्रूट चाट इसलिए मना किया क्योंकि फ्रूट चाट कोई शौक से खाता नहीं, ऐसी है। तो फिलहाल तो अभी ये सीन है कि आज ये अम्मी गर्मा लाई थी घर में, सब ने खाया था, तो ये अच्छा भी होता है फ्रूट गर्मा। और ये मैं खरबूजा और लाने खरबूजा होता है ना? हाँ शायद मेरा ठंडा होता है, ये ठंडा होता है, पता है मुझे इतना इसका नॉलेज नहीं है, लेकिन ये कि फ्रूट ऐसे हर कोई फ्रूट ताकतवर ही होता है, इसमें कोई ना कोई चीज़ें होती है जरूर, प्रोटीन या विटामिन वगैरह होते हैं। तो अभी ये बताएं कि ये इस साथ में ये काटेंगे ये और लाने? नहीं, चले यहाँ देखेंगे, अगर जाना हुआ तो हमारा लेते आएंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अपडेट ये है कि भाई यहाँ पर जो है ना अभी गर्मा और खरबूजा काटा जा रहा है, और जो कि अफ्तारी में खाते सब शौक से, के साथ साथ मुँह में पानी भी आ रहा है भाई बनाते हुए। तो अभी नमाज अदा की हमने माशाल्लाह से, अभी हम जाएंगे बाद नीचे कोई पानी वगैरह देखने के लिए, अदरवाइज ज़रूरी हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं जाएंगे। वकार को मैंने मैसेज कर दिया क्योंकि सामान लेते हुए वो भी आने ही वाला होगा अभी ऑफिस से, तो फिलहाल अभी फ्रूट कटवाते हैं बेगम के साथ, क्योंकि अभी हम फ्री हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा हेल्प ही करा लेते हैं। ड्राई फ्रूट की शॉप पे हम आए थे और यहाँ से हमने कुछ चीज़ें ली हैं जो कि मुझे खाने का बड़ा दिल कर रहा था, तो भाई अभी ड्राई फ्रूट ले लिया हमने थोड़े बहुत, जो कि दिमाग के लिए तेज़ी के लिए, बादाम वगैरह ये वो मैं बहुत शौक से खाता हूँ, सीधी बात ये।
और अभी यहाँ से चलते हैं हम अभी घर की तरफ, अभी फ्री हुए जस्ट नॉवल शिवार में। अब सिर्फ गिजरी के अंदर इन हुए तो यहाँ सामने फ्रेंच फ्राइज़ वाला नज़र आया। भाई इसके चटपटे क्रिस्पी फ्राइज़ जो है ना पठानों के ज़रूर खाया करें, ये बहुत मज़ेदार होते हैं। अभी ये फ्राइज़ बन रहे हैं, हमारे ऑर्डर दे दिए हमने फ्राइज़ लेके, अब हम बिल्कुल घर के करीब ही हैं। चले जी अभी बनाते हैं पकौड़े, और ये बिरयानी वकार भी लेके आए हैं, तो अभी जल्दी से पकौड़े बनाते हैं, टाइम भी होने वाला। सामान सारा रेडी है और ये सब मैंने निकाल के रख दिया है, और साथ ही में फातिमा ने पकौड़े भी बना के रख दिए, तो अभी इन्हें ऊपर लेके चलते हैं, अभी टाइम भी होने ही वाला है। तो गाइस अभी जो है ना मैं जाके सारा सामान ऊपर रख के आया, वालिश भाई ने मुझे जो है ना हाफ सीढ़ी तक पहुँचा दिया था और हाफ सीढ़ी तक मैं ऊपर ले गया। तो अभी वकार थोड़ा आराम कर रहा है, उसको उठाते हैं, अम्मी को भी उठाते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी कम रह गया, 5 मिनट रहेगा मसल में, 5 से 6 मिनट के समय टाइम हो गया। अम्मी ने फ़ोन कर लिया है किसी को और बातें कर रही हैं, खाला ऊपर रहें सामान के साथ वेट करेंगे कभी ना नुकसान करें। अली बाग खाना गर्म कर रही हैं और फातिमा और वकार अंदर हैं, वो अभी आ रहे हैं बाहर फ्रेश होकर, और जहर सी बातें नमाज पढ़नी होगी तो अभी वजू वगैरह पढ़ते हैं हम भी, तो चलते हैं छत पर। चले भाई दोनों प्यार आ रहे हमें भी आ गए और अभी चलते हैं। चले ऊपर होगी ना, आप लेट होगी काफ़ी यार, ऑफिस में कुछ काम था ना इस वजह से। आज दोनों को ना बड़ा हक कर दिया, अम्मी को, अम्मी का बड़ा लाड आ रहा था अलीफा को। चले चले ऊपर चलते हैं, ठीक है आपको उठाने के टाइम हो गया बहुत। जल्दी करो, जल्दी करो। माशाल्लाह से 3 तरह के मशरूबात अल्हम्दुलिल्लाह, साथ में खजूरें, और मुझे तो ये ब्लैक वाली बहुत फेवरेट है मेरी, क्योंकि नरम बहुत ज़्यादा होती है ना। साथ में वकार से मैंने कहा था भैया जी ख़त्म हो गया हूँ घर पर, तो वो जो है ना ये जी वकार से मैंने कहा था ये जो है लेते भी आना, क्योंकि घर पर नहीं थे। क्या ट्रेन की आवाज़ आ रही है, ट्रेन की हारन की लग रही है मुझे, ट्रेन का हारन लग रहा है। चलो खैर आती होगी आवाज़, वैसे नहीं हो सकती ट्रेन की, क्योंकि यहाँ से इस तरफ पीछे से आ रही है, यहाँ से नहीं हो सकती। तो ये जी समोसे पकोड़े हैं, और इसके साथ साथ पकोड़े घर पे बनाए गए थे। ये समोसे जो मैं मना करता हूँ अक्सर कोई नहीं खाता है, लेकिन इस बार हम कोशिश करेंगे खाने की, ये आलू के, क्योंकि ये फेवरेट नहीं है किसी के, चिकन घर पर खा लेते हैं। खैर साथ में बिरयानी मैंने कहा था, दुलियाने एक अपनी है हमारी, और साथ में ये फ्रूट घर के, माशाल्लाह से ये सब जो है ना सजावट कर दी हमने खाने की, अब सब आएंगे और सब खाना शुरू करेंगे यहाँ से माशाल्लाह से। चलिए यही करते हैं एंड, और नए आने वाले को वेलकम करते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और जी हमें ये शेयर करने के देखें, नफ़ा नुकसान होता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह, दिल छोटा नहीं करना चाहिए इंसान को, हमेशा बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। अब ये है कि मैं समझ सकता हूँ कि कुछ चीज़ें जो है ना काफ़ी लोगों की सजेशन है कि सदका निकालें, बिल्कुल इंशाल्लाह हम सदका ज़रूर निकालेंगे, सदका निकालना ज़रूरी होता है, और जब आप सदका ये लाजम भी है, और ये तो कहा भी गया है कि नज़र जो है ना बड़ी ख़तरनाक होती है, ये हमारे उसमें भी होता है, ये बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है, ऐसी है रिजवा कुछ भी हो सकता है, मैं इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है। बस यही मैंने एक बात शेयर कर दी, उम्मीद करते हैं छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ याद रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।